हमारे चैनल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश वाडकर जी के द्वारा गाया हुआ एक सॉन्ग आप लोग सुने होंगे, निश्चित रूप से सुने होंगे, जिंदगी से बातचीत करता हुआ ये सॉन्ग है। और मैं बहुत बार खुद अकेले में गाया हूँ, खुद के लिए गाया हूँ, जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझते हुए। आज अचानक जहन में आया, इस गीत के जरिए आप संगीत के हर एक पहलू का रियाज कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। लेकिन ज़रूरत है कि वीडियो को अंत तक देखिए। मैं जो जो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, आप उसको अगर रियाज में शामिल कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। इस एक गीत में इतनी क्षमता है। शब्दों को रिदम के अंदर फास्ट रूप में कैसे गाना चाहिए, कॉर्डिंग के सहारे भारी भरकम स्वर को भी कैसे लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कर्ण स्वर का जबरदस्त तरीका से प्रयोग, चूँकि सुरेश वाडकर जी के द्वारा गाया हुआ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लाइन में गुनगुनाता हूँ अस्थाई अंतरा का, ताकि आप जब तैयार करें तो इस रिदम को समझते हुए इस इफेक्ट में, मिनिमम इस इफेक्ट में तो ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा सा सुनेंगे धैर्य के साथ और अंत तक देखिएगा। मैं तमाम चीज़ आपको बताऊंगा कि इस एक गीत से बहुत कुछ बदला जा सकता है आपके सिंगिंग स्टाइल में, इसलिए इसको अंत तक देखिए। चलिए थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। कठिन है लेकिन आपको सीखना यही है कि कॉर्डिंग के सहारे कर्ण स्वर किस हिसाब से लगाया जाए, कॉर्डिंग से कितना हेल्प मिलता है और कर्ण स्वर का क्या वैल्यू है, बहुत कुछ इस गीत से सीखेंगे। एक लाइन गुनगुनाता हूँ, जब आप स्वर सीख जाएंगे बजाना तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे रिदम के अंदर। कैसे गा सकते हैं आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। कॉर्डिंग, कर्ण स्वर, ये दो मेन चीज है, बाकी नोट तो लीडिंग में आपको बता ही देता हूँ, एकदम इत्मीनान के साथ बता देता हूँ। कमेंट जरूर कीजिएगा, इच्छा हो तो ज्वाइन बटन क्लिक करके सपोर्ट कीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसको, आप काफी थाट पे मान सकते हैं लेकिन बहुत सारे नोट लगे हैं, ओके, जैसे पीलू वगैरह में लगते हैं, बहुत सारे स्वर का प्रयोग है, लेकिन काफी थाट का मैक्सिमम स्वर सी शार्प से गा रहा हूँ, एक स्वर नीचे किया हूँ, ओरिजिनल स्केल्स, ओके। सा से शुरू करना है, पहले लीडिंग में देख लीजिए पहला लाइन और उसके बाद कॉर्डिंग में उसी को गाना, ये मेन चीज है कॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए। ए जिंदगी सा प म प गले लगा ले प म ग म ग। अब इसी लाइन को अगर कॉर्डिंग में गाते हैं तो कुछ नहीं करना है। ए जिंदगी गले लगा ले, एक ही कॉर्ड में आते और लीडिंग और कॉर्डिंग दोनों समेट के गाते हैं तो ऐ जिंदगी गले लगा ले, ओके। तीन चीज देखिए, पहले लीडिंग, फिर ओनली कॉर्डिंग और फिर कॉर्डिंग विथ लीडिंग, ये चीज बहुत जरूरी। आगे जब बढ़ते हैं तो
हम पहले लीडिंग में, हमने भी तेरे हर एक गम को, इसको कॉर्डिंग से गाते हैं। या नोट क्या है, सा नी प प म प नी ध म, तीव्र मौ लग गया, कोमल नहीं लग गया, शुद्ध नहीं तो लगा ही था। ओके, हमने भी तेरे हर एक गम को, कॉर्डिंग के साथ सिर्फ गाते हैं तो जैसे इंदी हाथ हुआ था, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, सागा पॉ कॉर्ड बज रहा है, इस सा को छोड़ना है और इस सा को पकड़ना है और यहीं से ये स्वर है, हमने भी कॉर्डिंग, हमने भी तेरे हर एक गम को में आना, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगा, गा में ले लीजिए, गले से लगाया है में आ जाना, गले से लगाया है ना, ओनली कॉर्डिंग। अब इस लाइन को लीडिंग विथ कॉर्डिंग देखते हैं तो जैसे यहाँ एंड हुआ था, ये कॉर्ड लिए, हमने भी क्या हुआ, हमने ये कॉर्ड था, हमने भी ये फिंगर उठ के यहाँ चला, तेरे हर एक ये एक यहाँ है, तेरे हर एक पे कॉर्ड, तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ओके, ये कर सकते हैं। जो रिदम बज रहा था उसमें एक म्यूजिक पार्ट बता देता हूँ आपको, बहुत जबरदस्त म्यूजिक का नोट ये लगता है, ये गीत का म्यूजिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये अपना निकाला हुआ म्यूजिक है, मतलब खुद से कुछ भी आप बजा सकते हैं, जो इस गीत के अंदर जितने सारे स्वर प्रयोग किए गए उसमें कुछ भी बजाना, रिदम में बजाना, म्यूजिक हो जाएगा, लेकिन मैं जो बजा रहा हूँ वो बहुत मेलोडियस लगेगा आपको, आप आसानी से बजा सकते हैं। क्या बजाया ये सुनिएगा डेमो में फिर से, तो ये कई बार बजाया हूँ मैं, इसी को फिर से, गर गसरे नी धनी, रे सरे नी सदा पध सानी प मग म प, हमने फिर यहाँ चल जाएगा, या इसी कॉर्ड से अंतरा उठता है, क्या क्या बजाता फिर से देखिए, आराम से दिखा देता हूँ, इतना बजा के आप आगे बढ़ सकते हैं, जब बजाइएगा फास्ट में बड़ी जबरदस्त स्टेंजा, देखिए नोट देखना है, लीडिंग देखना है, कॉर्डिंग देखना है, कर्ण स्वर देखना है, हमने पानी हमने बहाने से, ये जब ओरिजिनल सुनिएगा तो क्या खूबसूरती से ये कर्ण लगा है, बहुत सारे लोग इस गौ को नहीं लगा के रे लगा के गाते हुए मैंने सुना है, लेकिन ये नहीं है, ये गौ लगा है, हमने बहाने से इसको भी लगाइए, अंतर कम है लेकिन थोड़ा सा महसूस कीजिए तो पता चलेगा, हमने बहाने से लेकिन ये नहीं है, ये है वो भी झटका के साथ कर्ण स्वर, हमने बहाने से ये लगना चाहिए, हमने बहाने से, इसी तरीके से दूसरा, छुपके जमाने से, उसके बाद तो और इसी नोट को कर्ण स्वर के रूप में पढ़ी हो, पलकों के पर्दे में,
घर भर लिया गसानी गसानी पा पानी पा मा पा। इसको अगर कॉर्डिंग के साथ गाते हैं तो हमने ये लीजिएगा हमने बहाने से लीडिंग नहीं लीजिएगा तो कर्ण स्वर छूटने का डर रहेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि बिना लीडिंग का मैं कॉर्ड ये लगा सकता हूँ तो आप ऐसे गा सकते हैं हमने बहाने से छुपके जमाने ये कॉर्ड हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में अब ये पॉ नोट हमको मिल रहा है चाहे तो ये भी पॉ ले सकते हैं हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया मा पा भर लिया हमने और ब्लीडिंग और कोडिंग के साथ बता दे तो हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर घर कर्ण स्वर घर भर लिया और उसके बाद आप तो जबरदस्त का दोला है तेरा सहारा मिल गया है ये नी से नी 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 धनी ध प प ध प म म तेरा सहारा मिल गया है ला 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 अकॉर्डिंग से ला 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 अब कठिन स्वर है यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा बार बार कीजिएगा ताकि थोड़ा सा टफ जाए यहाँ का स्वर है पहले गुनगुनाता हूँ लाइन हमको किनारा मिल गया है जिंदगी बिल्कुल भिन्न है इसलिए इसका नोट देख लीजिए बढ़िया से बार बार कीजिएगा प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त प प प नी सा सा रे नी प प म म ग सा प नी सा सा रे नी प प प म ग सा हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। जब रिदम में गाइएगा जैसा गाया हूँ तो ये सब जगह अगर झटका से लेते तो बड़ी आदत पड़ेगी अंतरा का पूरा लाइन हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों पलकों ये सब ये और ये लास्ट का नोट हम तो किनारा रा मिल गया है झटका रा मिल गया है ये जिंदगी लास्ट लाइन हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और कीजिए ये सब चीज़।